आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी आलू बंडे की रेसिपी। आप इसे कभी भी घर पर रखे इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही चटपटा और टेस्टी सा ये बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं 1 kg के लगभग। तो आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें उतने आप ले लें। तो मैंने आलूओं को इस तरह से हाफ़ करके पहले इन्हें बॉईल कर लिया है और इसको अच्छे से छील लिया है और इसके बाद हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो आलू बहुत ठंडे नहीं लेने हैं हमको, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो उतने ही लेने हैं, जिससे कि हाथों से बहुत अच्छे से मैश हो जाएं। तो आप चाहे हाथों से मैश करें या फिर ग्रेटर से, क्योंकि इसमें आप ये थोड़े बहुत मोटे बहुत भी चंक्स रह जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप इस तरह से हाथों से इन्हें मैश कर लें। सभी आलूओं को हमने इस तरह से मैश कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने धनिया, जीरा, सौंफ और काली मिर्च धनिया डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है हल्का सा भूनकर। अब साथ में इसमें डाल देंगे 2 से 3 ग्रीन चिली चॉप की हुई और चॉप किया हुआ धनिया। अमचूर पाउडर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच के लगभग। काला नमक डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच के लगभग। साथ में थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे 1/4 teaspoon के लगभग। और लास्ट में डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और चीनी डाल देंगे 2 छोटी चम्मच और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमको और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके इस तरह से बाइंड कर लेना है। आप अपने मनपसंद मसालों का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो स्टफिंग हमारी एकदम तैयार हो चुकी है। अब हाथों में हल्का सा पानी लेंगे और इसके हम पेड़े बनाना शुरू करेंगे। आप इन्हें गोल, बड़े, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर आलू बंडा कहा जाता है, कहीं पर इसको आलू चाप भी कहा जाता है। तो आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है ये आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सारे हम टिक्कियाँ इनकी बना लेंगे और फिर हम बनाएंगे बेसन का घोल। तो चाहे आप पहले बेसन का घोल बना लें या पहले आप इस तरह से स्टफिंग बना लें, बहुत ही ईजी तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं। सुबह शाम के नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है ये। तो ये देखिए सारी स्टफिंग हमारी हमने इस तरह से पेड़े रूप में बना लिया है। अब यहाँ पर हम 3 कटोरी लेंगे बेसन, क्योंकि सारा क्वांटिटी में ज़्यादा है हमारा आलू, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर ये 3 कटोरी ले लिए हैं बेसन। बेसन को हमने पहले ही छान लिया है जिससे कि इसमें कोई भी लम्स या गुठलियाँ ना रह जाएं। तो यहाँ पर देखिए 3 कटोरी बेसन, इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन डालने से इस पर बहुत बढ़िया टेस्ट भी आता है और इसमें हाजमा के लिए भी होता है ये। साथ में डाल देंगे 1 छोटी चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आप इसे स्पून से, विस्कर से, हैंड ब्लेंडर से या फिर हाथ से इसका एक बढ़िया सा स्मूथ सा हमें एक पेस्ट बनाना है, जैसे हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं, बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी का, ना ही बहुत पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, जिससे कि ये अच्छे से आलू में कोट हो जाए और इसमें एक बहुत ही बढ़िया सी लेयर आ जाए। तो हम यहाँ पर सोडा वगैरह कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। अगर आप बेसन को बहुत अच्छे से फेंट लेते हैं ना तो ये अपने आप ही बहुत ही फ्लफ़ी और स्मूथ बनकर तैयार होता है, तो आपको सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हाथों से अच्छे से इसको हम विस्क कर लेंगे जिससे कि इसमें एक एयर बन जाए और जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से बनेंगे और बिल्कुल भी तेल नहीं सोखेंगे। तो इसको 2 से 5 मिनट के लिए आप इस तरह से हाथों से फेंट लें और इसके बाद सिर्फ हमको इसमें हमारे जो आलू बंडे हमने बना कर रखे हैं उसको डिप करना है और गर्मा गर्म तेल में छोड़ देना है। तो ये देखिए इस तरीके से अब गर्मा गर्म तेल में इसको हम छोड़ देंगे। तो तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था, मीडियम हॉट ऑयल में इसे हम जितने हमारे पैन में आए उस हिसाब से हम डाल देंगे, ताकि एक दूसरे से चिपके ना ये। ये देखिए बढ़िया से हमने यहाँ पर डाल दिए हैं और आप देख सकते हैं बेसन बहुत अच्छे से फिट गया है। तो लास्ट में आपको एकदम नमकीन जैसे कुरकुरे वो निकलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ये अच्छे फिटने वाले बेसन की पहचान होती है कि इस तरह से नमकीन इसमें से निकलने लगती हैं। अब इसको जब ये एक तरफ से सिक जाए तो दोनों तरफ से टर्न करते हुए हम सेक लेंगे गोल्डन होने तक या फिर जब तक ये अच्छे से कुक ना हो जाए। सारे प्रोसेस में गैस का फ्लेम बहुत हाई नहीं रखना है ना ही बहुत लो, मीडियम में ही आप इसे सेकें जिससे कि यह अंदर से भी कुक रहे और बाहर से भी। तो ये देखिए आप इनका बहुत ही सुंदर गुलाबी गुलाबी सा कलर आ रहा है जैसे कि मार्केट में मिलता है बिल्कुल उसी तरीके से। तो दोनों ही तरफ से हम अच्छी तरह से इन्हें सेक रहे हैं, दोनों तरफ से सेक लें। इसके बाद आप इसे टमाटर की चटनी में खाएँ, सॉस में खाएँ, ग्रीन चटनी में खाएँ, ये आपके ऊपर है। और इन्हीं को आप लहसुन वाली चटनी के साथ पाव में बीच में लगाकर खाएंगे ना तो बस ये वड़े पाव भी बन जाएंगे। तो आप इन्हें जैसा चाहे वैसे सर्व कर सकते हैं। अब बहुत अच्छे से हमारे ये फ्राई हो गए हैं, इन्हें निकाल देंगे बाहर। सेम प्रोसेस से आगे बाकी के जो बचे हुए हैं ना उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये जलेबी के साथ खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं, जैसे कि जलेबी पोहा खाते हैं ना
बस उसी तरह से हम लोग ये आलू बंडे और जलेबी खाते हैं, समोसा जलेबी खाते हैं, तो हमारे यहाँ तो ये बहुत ही बनता है और बहुत ही खाया जाता है। तो मैंने इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है, आप इसे अपने मनचाही चटनी के साथ सॉस के साथ सर्व करें। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी यम्मी चटपटे से आलू बंडे। आप इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।